अरे अरे बेटा सुन तो सही। ये बच्चा हमें दे दे, जान बच जाएगी। ये बच्चा खबरदार जो मेरे बच्चे को हाथ भी लगाया। ये बच्चा दे बधाई की तो बात है, राधा जी की फूल जैसी मामूली जगह पे पली बड़ी लड़की, उसने रावत खानदान के वारिस को जन्म दिया। आज तक मैं सिर्फ सौतेली माँ थी, अब सौतेली दादी बन गई। फाल्गुनी की जिंदगी में खुशी आती तो है, लेकिन उसके बाद मिलता है उसे ढेर सारा गम। रोज नहीं है बेटा, मैं है ना तुम्हें कुछ नहीं होने देगी। फाल्गुनी तो इस दुनिया से जाएगी, लेकिन उसके पहले जाएगा उसका बच्चा। आखिर फाल्गुनी को इस संसार की मोह माया से मुक्त जो कराना है। मुझे जाना होगा। विधान, कितना अजीब सा लग रहा है ना, जब से जीजू और जीजीमा गए उनसे बात ही नहीं हुई है, फोन भी आउट ऑफ नेटवर्क है। फार्म हाउस का लैंडलाइन नंबर होगा ना विधान, वहां फोन करके हम बात कर सकते हैं। उन्हें ही फोन लगा रहे हो? ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। बात हुई उनसे? निधि, केयरटेकर से बात हुई है, भैया और भाभी मां फार्म हाउस नहीं पहुंचे। ऐसा कैसे हो सकता है विधान? हमने बताया था ना कि जीजू का फोन आया, उन्होंने कहा है कि वो अच्छे से पहुंच गए, बस नेटवर्क नहीं है वहाँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो किसी और फार्म हाउस में चले गए हों? और घबराहट हो रही है विधान, अगर नेटवर्क नहीं है तो जीजीमा किसी और तरीके से फोन करने की कोशिश तो जरूर करती, कल से कोई खबर ही नहीं है, कहीं वो किसी मुसीबत में ना फंस गए हो। विधान जो भाग गए हो वो अपनी खबर क्या देंगे? आप कहना क्या चाहते हो मॉम? सुयश और फाल्गुनी भाग गए हैं विधान बेटा, वो अपना बच्चा तुम दोनों को नहीं देना चाहते। पहले से ही प्लान किया था उन्होंने, मुझसे कहा कि वो फार्म हाउस पहुंच गए हैं, जबकि वो वहां गए ही नहीं। विधान बेटा, उन्होंने फार्म हाउस नहीं बदला, अपना इरादा बदल दिया है। ऐसा नहीं हो सकता मॉम, मेरी चीजी मां ऐसा नहीं कर सकती। मैं ये बात नहीं मान सकता भैया, ऐसे नहीं है, वो अपनी बात से कभी नहीं पलटेंगे। मुझे भी नहीं यकीन हुआ बेटा, लेकिन जब डॉक्टर नेगी से बात हुई तो डॉक्टर नेगी जिन्होंने बच्चा डिलीवर किया,
बच्चे की डिलीवरी हो गई है, बेटा हुआ है। मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था। एक मिनट, मैं तुम्हारी बात करवाती हूँ डॉक्टर नेगी से। वीडियो कॉल डॉक्टर नेगी, क्या आप हमें बता सकते हैं कि मेरे बेटे और बहू की आपसे क्या बात हुई? जी हाँ, फाल्गुनी की डिलीवरी मैंने ही करवाई, उसे बेटा हुआ। और जब मैंने उनको कहा कि उत्तरा देवी को कॉल करके सब लोगों को मैं यही बुला लेती हूँ, तब सुयश ने मुझे मना कर दिया और वो जिद करने लगा कि फाल्गुनी को जल्द से जल्द आप डिस्चार्ज कर दो। और जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि उनका ये बच्चा देने का आप लोगों को कोई इरादा नहीं है, इसीलिए वो आप सबसे हमेशा के लिए दूर जा रहे हैं। थैंक यू डॉक्टर, वेलकम। अब यकीन हो गया तुम दोनों को? रे माता रानी की कृपा है कि गांव गहरा ना है, बचा लिया उन्होंने थारे को। अरे अरे, क्या कर रही हो? घाव ताजा है, आराम करना चाहिए थारे को। कैसे आराम कर सकती हूँ? मेरा बच्चा मुझसे छीन लिया। हो ना हो, ये वही लोग जिन्होंने मेरे पति को मुझसे दूर किया, मुझे उन्हें ढूंढना है। अरे चोरी चोरी, सोहम के बाबा ने बताया कि कुछ डाकू किसी शहरी को पकड़ के जंगल की ओर लेके जा रहे हैं। उसका चेहरा बोरी से बंधा है, मारे को लगता है वो थारा पति ही होगा। कहाँ देखा? एक आधा घंटे पहले घरी जंगल की ओर। मैं जाऊंगी वहां। अरे सुन, वो हिस्सा यमराज के झाल से कम ना है चोरी। वहां जाना मतलब मौत को गले लगाना। आपस मुझे जगह बताइए, मैं अपने बच्चे और पति के लिए भगवान से भी लड़ जाऊंगी, यमराज से भी लड़ जाऊंगी।